भगवत गीता का 10वां अध्याय है विभूति योग। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं और इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन करते हैं, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय के बाद इस अध्याय में भी अर्जुन के भीतर श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के प्रयोजन से भगवान अपनी अनंत महिमा का वर्णन करते हैं। इस अध्याय के श्लोकों को पढ़ने से आपके मन के भीतर आनंद की अनुभूति होती है और इनका श्रवण करने से आपका चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता, जो गीत भगवान ने गाया हम सब मनुष्यों पर कृपा करने के निमित्त से, तो उन्हीं का चिंतन हम यहाँ कर रहे हैं। और अभी तक 9वां अध्याय तक हम लोगों ने चिंतन किया, और ये भगवद गीता का जो चिंतन है वो हमारी जो दृष्टि है उस दृष्टि का परिवर्तन करती है। और कहा जाता है कि जैसी आपकी दृष्टि होती है ऐसे ही भाव आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, और जो भाव आपके अंदर उत्पन्न होते हैं ऐसे ही आपकी अनुभूति भी ऐसे ही होती है। इसलिए बार बार जो मैं कह रहा हूं, वॉट यू थिंक इज एवरीथिंग। परिस्थिति कैसी भी हो मगर आप किस दृष्टिकोण से उनको देखते हैं, क्या आपके पास ज्ञान का बैकग्राउंड है, तो वही परिस्थिति जो आपको दुख देती है, समस्या उत्पन्न करती है, फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाती है, एंगर उत्पन्न करती है, अगर ज्ञान का बैकग्राउंड है तो वो परिस्थिति आपके अंदर ऐसा कोई भाव, नेगेटिव भाव उत्पन्न नहीं करेगी। तो यही बात समझने के लिए हम लोग भगवद गीता की शरण में आए हैं। तो आज जो हम चिंतन करेंगे 10वां अध्याय, विभूति योग नाम 10वोंध्याय। विभूति का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है भू भवति, होना, एग्जिस्टेंस। भू का मतलब होता है होना, और विभूति का विशेष रूपेण होना, मतलब कि जो बहुत सारी वस्तुएं हैं उनमें से एक वस्तु जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विभूति। तो भगवान यहां पे अपनी विभूति की चर्चा करने जा रहे हैं, और ये 10वें अध्याय में भगवान को से अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं भगवान से, भगवान मैं आपको किस किस भाव से आपका स्मरण करूं? जैसे भगवान आप बोलते हो कि सदैव मैं आपका स्मरण करूं, तो मैं किस किस भाव को, किस किस रूप को देखकर आपका स्मरण करूं मैं? ये प्रश्न के संदर्भ में भगवान यह 10वां अध्याय में जो बात रखते हैं वहां पे भगवान कहते हैं कि मेरी विभूति को तू देखने का प्रयत्न कर। वैसे तो मैं पूरे विश्व में, विश्व के कण कण में रहता हूं, सब जगह पे मैं रहता हूं, मगर अगर तू मेरे को इस सूक्ष्म रूप में नहीं देख सकता है तो मेरी जो विभूति है स्पेशल रूप में मैं कहीं कहीं पर प्रकट हुआ हूं, तो मेरी विभूति को देखने का अभ्यास शुरू कर। उसके बाद जब तेरा अंतःकरण तैयार होगा, तेरा मन बुद्धि तैयार होगा, तो फिर तू मुझे सर्वत्र देख पाएगा, सबके अंदर देख पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू ऐसे ही अपने चर्म चक्षु से मुझे तू देख नहीं सकता। भगवान का दर्शन करने के लिए कोई स्पेशल दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है। जैसे भगवत गीता की शुरुआत हुआ तो भगवत गीता का जो संवाद भगवान और अर्जुन के बीच में हुआ वो तो कई योजन दूर बैठे हुए संजय ने देखा, तो वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु का दान किया था। उसी दिव्य चक्षु से संजय ने महाभारत के उस युद्ध भूमि में जो कुछ हुआ वो देखा, और जो देखा वो बोला, और जो बोला वो धृतराष्ट्र ने वो सुना। और यहां पे 10वें अध्याय में भी अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मैं तुझे दिव्य ददामि युद्ध बुद्धि योगम तम, मैं तेरे को कुछ ऐसा प्रदान करता हूं जो तेरा तीसरा दृष्टिकोण खुल जाएगा। जिसको बोलते हैं ना कि भगवान शंकर की 3 आंखें होती है, 2 तो दिखती है, तीसरी आंख जो होती है वो गुप्त आंख होती है। ऐसे ही यहां पर भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन ददामि बुद्धि योगम तम, मैं तुझे बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग भी एक दृष्टि ही है, समझ लेना। और उस दृष्टि से क्या होगा, किसको मैं देता हूं? भगवान कहता है मत
मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति रमंती। जो सदैव मेरे विचार में जो रमते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरी ही बातें करते हैं, ऐसे जो मेरे प्यारे भक्त होते हैं उनको मैं दिव्य चक्षु देता हूं। अर्जुन तू भी मेरा प्रिय है क्योंकि तू मेरी ही बातें करता है और तेरे हृदय में मेरा जो स्थान है वो मुझे मालूम है। इसीलिए भगवान कहते अर्जुन को कि ऐसा जो कोई व्यक्ति है, मेरा भक्त है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वाला होता है तो उनको मैं क्या करता हूं, बुद्धि योग का दान करता हूं। अर्जुन मैं तेरे को भी दे रहा हूं। ये बुद्धि योग का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब जैसे मैं बोलूं कि यहां बहुत सारी वस्तुएं हैं तो बहुत सारी वस्तु हमारे लिए है, और किसी फिजिक्स के प्रोफेसर को पूछेंगे आप तो बोलेंगे यहां तो एनर्जी के सिवा कुछ नहीं है, सब मैटर और एनर्जी बोथ आर द इक्वल, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का जो सूत्र है वो दिखाता है कि सब कुछ एक ही है। फिजिक्स के प्रोफेसर के पास वो ज्ञान का बैकग्राउंड है तो सब में एक तत्व को देख सकता है। इसीलिए भगवान यहां कहते हैं कि मैं भी तेरे को ये ज्ञान दे रहा हूं, इसकी ज्ञान दृष्टि से तो सब में मेरी मेरे अपने अस्तित्व को देख पाएगा। फिर भगवान कहता है ऐसे ही जो मेरे भक्त होते हैं तेसाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमहा। ये जो तेरे अंदर अज्ञान है उस अज्ञान को ये मेरा बुद्धि योग, ये मेरा ज्ञान जो है वो अज्ञान को दूर कर देगा। हमारे सारे जीवन के जितने सारे प्रश्न है उसके मूल में अविद्या या अज्ञान ही है। पूरे शास्त्र के अंदर ये बात कही गई है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं यहां ज्ञान देकर ज्ञान दीपेन भास्वता, तेरे अंदर जो अविद्या है उस अविद्या को मैं ज्ञान दीपक से, ज्ञान के प्रकाश से उस अविद्या को मैं दूर करूंगा, और जैसे ही दूर होगा तू मुझे सब जगह पे देखेगा। तो अर्जुन पूछता है कि भगवान केशु केशु जो भावेशो चिंतयोसी भगवन्मयः, भगवन्मया मैं किस किस भाव से आपको देखूं, कहां का आपको देखूं, बस मुझे आपका ये विभूति का दर्शन कराइए। और ये कहते हैं, और फिर अर्जुन एक शब्द यहां पे रखता है, भूय कथय तृप्तिर ही श्रुणवंतो नास्ति मे मृतम। भगवान आपकी जो बातें हैं, ज्ञान के बारे में बोलते हैं, भक्ति के बारे में बोलते हैं, जो भी भगवान आप बोलते हो वो सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ये बात चालू रखिए। कोई ना कोई टॉपिक के बारे में अर्जुन क्वेश्चन कर देता है और भगवान उसके बारे में फिर बोलना शुरू करते हैं। वैसे तो भगवत गीता के पहले और दूसरे अध्याय में पूरा भगवत गीता का जो ज्ञान है वो जो भगवान को कहना था सब कुछ कह चुके हैं। तीसरे अध्याय से तो अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर होता है। तो यहां पर भी भगवान कहते हैं, और सबसे पहले अपनी विभूति जो भगवान दिखाते हैं, अहम आत्मा गुड़ा कैसे सर्वभूता से स्थित अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हमारे अंदर जो हमारे अस्तित्व का हमें अनुभव होता है वो हमारा अस्तित्व ही भगवान है। भगवान यह बहुत बड़ी बात कहते हैं, अहम आत्मा गुड़ा केशः। हे इंद्रियों को जीतने वाला अर्जुन, तेरे अंदर जो तेरा अपना आत्मा है वो मैं ही हूं। भगवान का अनुभव हमारे हमको हो रहा है, मालूम नहीं है हमको। हमें अपने होने का जो अनुभव होता है वो हमारा होना ही भगवान है। ये भगवान भगवद गीता में भगवान जो 20वें श्लोक में कहते हैं ना, उनको हमें समझना चाहिए कि हम बोलते हैं ना कि भगवान हमारे हृदय में है, तो हृदय का मतलब क्या है, ये जो हमारा होने का जो हमारा अनुभव है, मैं हूं, ये जो हो रहा है वो भगवान बोलते हैं कि वो मैं ही हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो चेतन आत्मा है, हमारा आत्मा ही ईश्वर है। हमारा आत्मा और ईश्वर के आत्मा में कोई भेद नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जो बात हम बार बार सुनते हैं, किसी से कहते हैं, वही बात भगवान भी कहते हैं। और भगवान कहते हैं अहम आदिश्य मध्यम च, विश्व के पहले, विश्व के समय, और विश्व जब समाप्त होता है, ब्रह्मांड की समाप्ति होती है, वो सब में मैं ही रहता हूं। आपके हृदय में भी हूं और पूरे विश्व में मैं हूं। ये कहने के बाद भगवान अपनी विभूति का वर्णन करते 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 108 विभूति भगवान की भगवान यह गिनाते हैं। और भगवान कहते हैं कि पांडवा नाम धनंजयोस्मी, पूरे पांडव में अर्जुन मैं हूं, पूरी जो होती है नदियां उसमें गंगा मैं हूं,
पर्वत जो होते हैं उसमें हिमालय में हूं, ऐसे गिनते गिनते उसका मतलब यह होता है कि जहां पर भी आपको विशेष रूप से किसी का भी दर्शन हो जाए, मानो कि वो भगवान की विभूति है। कोई रूप सौंदर्य से भरा है, कोई बुद्धि के लॉजिकल पावर उनके पास है, किसी के पास वक्तव्य का एक प्रकार की शक्ति है, और किसी के पास तो नृत्य करने की शक्ति है, और सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन के पास बैटिंग करने की जो शक्ति है वो हजारों में एक होती है। वो जो एक जिसके अंदर प्रकट हुई है वो शक्ति भगवान का ही विभूति का रूप मान लेना है। इसलिए जहां भी सुंदर दिखे, जैसे भी दिखे, वो सब भगवान ही है। इस तरह से विशेष रूप में आपको जो जो दिखता है तो उस विशेष रूप में उस व्यक्ति के अंदर जो सत्ता है, जो शक्ति है, वही भगवान है। वो देखने का अभ्यास शुरू करना है, यही विभूति योग का एसेंस है। तो यहां पर हम रुकते हैं और लास्ट में भगवान कहते हैं, यद्यत विभूति मत सत्तम श्रीमद उर्जितम है बाबा, कि जगत में जहां पर भी अर्जुन तुझे जो भी कुछ विशेष रूप दिखे, अच्छा दिखे, श्रेष्ठ दिखे, मान लो कि वो मेरा ही रूप है। इस प्रकार विभूति योग यहां पूर्ण होता है। और नेक्स्ट सत्संग में हम 11वां चैप्टर जो है भगवद गीता का, उसके बारे में बात करेंगे। ओम तत्सत।